नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विकास नगर में सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। सुरक्षा की व्यवस्था रही चाक चौबंद। विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण, सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। बंद भूलपुरा में अतिक्रमण हटाने वाली जगह पर बनेगा पुलिस थाना, कहा शांति से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तेरह फरवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा, टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और हरिद्वार में प्रोजेक्ट का भी करेंगे शिलान्यास, तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, महेंद्र भट्ट को बनाया प्रत्याशी, समर्थकों ने जताई खुशी, सीएम धामी ने दी बधाई, कांग्रेस ने साधा निशाना। मंगलौर में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दो की मौत, मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता, वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। बंद भूलपुरा में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है, देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। उस अतिक्रमण को हटाया गया है जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है, वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है। मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान में सोमवार को आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में हिस्सा लिया। इसके अलावा देवपुरा चौक से चंद्राचार्य चौक तक रोड शो निकालने के साथ ही 1168 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में नारी शक्ति की भारी भीड़ को देखते हुए हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश रोका गया। नारी शक्ति महोत्सव में सीएम ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा किया जाए। पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री का पहले से प्रस्तावित कई कार्यक्रम थे, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले हरिद्वार के देवपुरा चौक से लेकर ऋषिकुल मैदान तक एक रोड शो किया। रोड शो करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल के मैदान में एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, नारी शक्ति महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50,000 नारियों ने प्रतिभाग किया और मुख्यमंत्री ने भी उसमें शिरकत की। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11,000 करोड़ रुपए की 156 योजनाओं का शिलान्यास किया। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो हरिद्वार का ये दौरा रहा है, कहीं ना कहीं एक अहम दौरा भी इस चीज को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि आगामी हरिद्वार आगामी लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर हरिद्वार से एक शंखनाद किया गया है। कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई कि हरिद्वार से जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो शंखनाद किया गया है। ये तो उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीट है, लेकिन हरिद्वार की पहले से ही अहम सीट रही है, जिसको लेकर हमेशा से ही एक वोट सीट माना गया है। आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने हरिद्वार का दौरा जो किया गया, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए की 156 योजना का जो शिलान्यास किया गया है और जो नारी महोत्सव नाम से एक जो कार्यक्रम किया गया, कहीं ना कहीं एक मैसेज दिखाने किया गया है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं सरफराज अली, जन टीवी हरिद्वार। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार में 181 करोड़ की लागत से बनाए गए शांति कुंज फ्लाईओवर का जायजा लिया।
कल नितिन गडकरी इसका उद्घाटन कर उत्तराखंड हरिद्वार की जनता को समर्पित करेंगे। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार दूधाधारी चौक शांति कुंज से होते हुए बनाए गए फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए थे। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। अब हरिद्वार के दूधाधारी चौक के पास से लगने वाले जाम की समस्या से भी स्थायी निजात मिलेगा। शांति कुंज के समीप दूधाधारी फ्लाईओवर का निर्माण बीते कई वर्षों से चल रहा था। फ्लाईओवर निर्माण की राह में बाधक एक मंदिर को भी पिछले दिनों हटवाया जा चुका है। पुल था, फ्लाईओवर था, ये बहुत लंबे समय से लंबी था और मुझे लगता है कि इसके बनने से ऋषिकेश की दूरी बिल्कुल हरिद्वार से कम हो जाएगी, इसके बनने से देहरादून की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी और 2.65 किलोमीटर का है ये पूरा, तो इतना लंबा जो ये पुल बना है, मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में और हरिद्वार के इतिहास में तो महत्वपूर्ण है ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का देवभूमि उत्तराखंड आने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रेमनगर स्थित द टोंस ब्रिज स्कूल में देश के प्रथम सीडीएस जनरल स्वर्गीय विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले हवन में हिस्सा लिया और फिर प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए कोतवाल अरविंद चौधरी ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में कोतवाल चौधरी ने सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में बेहतर क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाए जाएं। DVR की क्षमता कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो दोनों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी एक पिकनिक स्पॉट है और कोई भी संदिग्ध कहीं भी कोई घटना कर मसूरी में आकर छिप सकता है। अच्छी पहल है कोतवाल साहब की, जिन्होंने कि हमको बुलाया, काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, हमारे शहर की सेफ्टी के दृष्टिकोण से कुछ सुझाव आपने दिए हैं, कुछ सुझाव हमने दिए हैं। मुख्य रूप से आपका कहना है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान को, होटलियर को कैमरेज रोड की फेसिंग की तरफ अच्छी रेजोल्यूशन के कैमरेज होने चाहिए। दूसरे जो हमारे पार्किंग एरियाज हैं वहाँ पर भी कैमरेज होने चाहिए, क्योंकि जो भी गलत कार्य होते हैं लगभग वो इन्हीं एरियाज में होते हैं। इसमें मुख्यतः शहर की व्यवस्था के बारे में, कुछ होटल्स के बारे में, पार्किंग के बारे में और शहर में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें जो है ट्रेडर्स ने जो है पुलिस को काफ़ी सुझाव दिए हैं और आश्वासन भी मांगा है पुलिस से कि भी आने वाले सीजन में जो है इस पर वो अमल करेंगी। कुछ जो आउटस्कर्ट है मसूरी के आसपास, उसमें कुछ झोपड़ियाँ, कुछ इस टाइप की ठेली रेडी वाले आ रहे हैं, तो उनका सत्यापन गहनता से किया जाएगा ताकि कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ उनके बीच में न रहे। हल्द्वानी की घटना से सबक लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने सत्यापन नहीं करने पर 85 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत आज 95 लोगों के सत्यापन करवाए गए। बता दें कि सत्यापन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। मंगलौर क्षेत्र के नारसन में कार का टायर फटने से अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर ही बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही एक युवक और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोहाघाट में सोमवार को चोड़ा ढेक के पास कार और कैंटर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। माइनर इंजरीज थे, जैसे पैर पे लगी हुई थी, आगे सर में लगी हुई थी। थोड़ा सा पेशेंट डिजी भी था कि मतलब कहाँ है क्या है, थोड़ा सा ओरिएंटेड नहीं थे वो। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट देके फिर उनको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर भेज दिया था कि एक बार उनको ऑर्थो वगैरह ये सब देखने लगते हैं। इस तरह उस टाइम उनकी ठीक थी, मतलब अभी के लिए यही कह सकते हैं। बाकी एक बार ये कि एक्सरे वगैरह भी उस टाइम सुबह कुछ खुला नहीं था, तो एक्सरे वगैरह भी सुबह अभी हुए नहीं है। एक्सरे वगैरह सब रिपोर्ट के बाद ही बोल सकते चाहिए ना। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की आईआईटी की छात्रा का शव देर रात उसके कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतका हैदराबाद के निजाम पथ की निवासी थी और आईआईटी रुड़की में बायो साइंसेज एंड इंजीनियरिंग विभाग में थर्ड ईयर की छात्रा थी। पिछले 4-5 दिन से वो डिप्रेशन में चल रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की गंग नहर में मासूम बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे देखकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद मोनू जलवीर ने शव को नहर से बाहर निकाला और सिविल लाइन पुलिस को की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुझे 2-3 जनों ने फोन करा, उन्होंने एक बच्चा आ रहा है, बच्चे बेहता हुआ और किनारे किनारे आ रहा, ये मेवड़िया कलियर की तरफ से ही आया। मैंने यहाँ शेर के पुल के पास से निकाला है, फिर मैंने इसे थाने फोन करा, थाने में पुलिस वाला है, आप ले आ रहे हैं सरकारी अस्पताल। क्या बच्चे की मौत हो गई? बच्चा मर गया है। कितने साल का, कितने महीने का बच्चा है? ये 3-4 महीने का बच्चा ही है, छोटा था। पता नहीं किसका, कुछ नहीं पता चला अभी तक। पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की? पुलिस आ गई है, अब ले जा रही है सरकारी अस्पताल, बाकी देखते हैं कुछ चलता है पता है घर वालों का। तो वहीं प्रदेश भर में तमाम सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच के लिए कई बार उन्होंने ये अपनी मांग उठाई। उन्होंने सचिवालय कूच की, हालांकि प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर उसने पहले ही रोक दिया गया। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगें इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से उठाई गई थी, जिनके लिए कई बार ये सरकार और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए, और कई बार हमने डीएम एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है, और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले। हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है, और कोई भी निर्णय नहीं लेती है आज सरकार, तो हमें सब कुछ भी करना पड़े, और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे, सारा कुछ यहाँ पर ठप रहेगा, सारा कुछ, सारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सारी ठप रहेगी, कोई भी पूरी पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जो कि सरकार अपने आप ही उसकी जिम्मेदार रहेगी। रुड़की के प्राण करियर के दरगाह प्रबंधक की मनमानी के खिलाफ और राजनीतिक पार्टियों के लोगों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर सभी लोगों ने इकट्ठा होकर दरगाह दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर दरगाह प्रबंधक को एक पत्र सौंपा। इस संबंध में उन्हें आश्वासन दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
उन्होंने एक विज्ञप्ति निकली थी कि जितने भी यहाँ न्याज बनाते हैं मेहमानों की उसका ठेका किया जाएगा, तो उससे हमारे जो गरीब दुकानदार है उन सबको नुकसान था। नुकसान इसलिए था कि जब एक आदमी को तुम 500 आदमी को वो कर दिया जाएगा तो वो एक आदमी तानाशाही दिखाएगा इन्हें और इनके साथ जाती करेगा। तो बेहतर ये है कि ये अपना बना रहे, अपना खा रहे, जो दुकान का किराया है या जो दुकान की तयबजारी है वो दे रहे हैं, जो भी तयबजारी बैठती है। तो ये फड़ के कच्चे अस्थाई दुकानदार है, तो जो भी है ये अपना उस बात को कहने के लिए हम गए थे कि भाई ये जो दुकानदार है इनके ठेके का क्या मतलब है, ये तो अपना अपनी दुकान ने अस्थाई करके उस पर अपना बना रहे। ये बहुत ही गलत है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हर जगह बहुत धार्मिक स्थल है, कहीं ऐसा नियम नहीं है जो दरगाह प्रबंधक द्वारा ये थोपा गया है। क्योंकि इस चीज़ से अगर वो इस तरह का कार्य यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बेरोजगार होंगे कम से कम भी 500 लोग ऐसे हैं जो है न्याज का काम करते हैं, और अगर उनके कार्य को उनके कार्य पर फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर बेरोजगारी और नशाखोरी और चोरी चकारी इस तरह की वारदात ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन हम लोग अभी सब लोग मिल जिम्मेदार साथी हम सब मिलकर आए हैं दरगाह प्रबंधक से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से मिल करके उम्मीद है कि ये जो विज्ञप्ति जारी की है हम इसे कैंसिल कराएं, हम लिखित में भी देकर आए हैं वहाँ पर। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर उठने लगी है, जिसे लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लिया है, आने वाले समय में सरकार जरूर इस पर निर्णय लेगी, फिलहाल सभी कर्मचारियों को राज्य के हित में कार्य करना चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सभी को भरोसा करना चाहिए। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर उठने लगी है, जिसे लेकर उत्तराखंड कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी, आने वाले समय में सरकार इस पर जरूर निर्णय लेगी, फिलहाल सभी कर्मचारियों को राज्य के हित में कार्य करना चाहिए और मुख्यमंत्री सीएम धामी पर सभी को भरोसा करना चाहिए। जहाँ तक पुरानी पेंशन का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से इस सारे विषयों का संज्ञान लिए हुए है और आने वाले भविष्य में सरकार इस पर निर्णय लेगी। सभी कर्मचारी नेताओं को आंदोलनकारियों को राज्य हित में राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उन सबकी चिंताओं को जानते हैं और समय आने पर निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, देवपुरा चौक से लेकर ऋषिकुंड तक किया रोड शो, 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड में राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, महेंद्र भट्ट को बनाया प्रत्याशी, समर्थकों ने जताई खुशी, सीएम धामी ने दी बधाई, कांग्रेस ने साधा निशाना। तेरह फरवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा, टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और हरिद्वार में प्रोजेक्ट का भी करेंगे शिलान्यास, तैयारियों में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट, इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, ऊधम सिंह नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने की चेकिंग। मंगलोर में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दो की मौत, मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता, वहीं दो युवक गंभीर घायल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश विदेश की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।